हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा चतुर्वेदी। वेलकम टू ऑल ऑन आई यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग 247। और जैसा कि आपको पता है, मैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास 1 ली थी, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे। और आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ये पार्ट 2 वीडियो है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ में आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स हैव अ लुक। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, वही उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर हमें तैयार करना है। किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को पता है, क्लास 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे यूजर, जो हमारे हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर के बीच में वर्क करे, जो भी हम काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट, उसके बीच में और हमारे हार्डवेयर के बीच में जो भी एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली किस तरीके से वर्क करता है, वो हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर वही सेम काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारी जो विंडोज है, हमारा एंड्रॉयड है, हमारा मेन जो सिस्टम है, वो किस तरीके से इंटरनली वर्क कर रहा है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें क्या क्या होता है? एक होता है यूजर स्पेस। यूजर स्पेस, जो यूजर के लिए स्पेस होता है, एक पार्ट इसका ये होता है। दूसरा होता है एक मेन इंपॉर्टेंट कर्नल। क्या होता है? कर्नल। एक होता है हमारा हार्डवेयर, एक होता है ड्राइवर। तो ये चार पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन यानी उसका स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं। यूजर स्पेस, कर्नल, हार्डवेयर और ड्राइवर। ये चीज आप याद रखिएगा, इसके पॉइंट्स किसमें चार पार्ट होते हैं जो मेन होते हैं, यूजर का स्पेस, हार्डवेयर, कर्नल और ड्राइवर। अब देखिए, यूजर का स्पेस सबसे पहले देखिए, कर्नल इससे अटैच्ड है, हार्डवेयर वो हमारे ड्राइवर और ये सब हमारे सेटेस्ट हैं। अब बात समझिए, पहले बात कर लेते हैं सबसे नंबर 1 हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर हम सबको पता है, हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो हमारा सीपीयू हो, चाहे हमारी कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन द सेंस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर, मॉनिटर, कोई भी। तो जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या फिर हमारा सीपीयू है, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूरी है हार्डवेयर का होना, यानी एक सिस्टम का होना, एक कंप्यूटर का होना, एक सीपीयू का होना, एक हार्डवेयर का होना। जब तक हार्डवेयर ही नहीं होगा, जब तक हमारा मोबाइल नहीं है, फॉर एग्जांपल मोबाइल में एंड्रॉयड है, तो जब तक मोबाइल ही नहीं है, तब तक वो एंड्रॉयड ही क्या करेगा। तो सबसे पहले काम होता है हमारे हार्डवेयर का, ठीक है? तो पहला काम हार्डवेयर, दूसरा काम हमारा ड्राइवर। अब ड्राइवर इन द सेंस कि वो मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो गई, ड्राइवर इन द सेंस कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मुझे काम क्या कराना है, वो टास्क क्या परफॉर्म कराना है। तो ड्राइवर वो जो टास्क परफॉर्म करने वाला है, वो कोई भी हो, ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो हमारा वो ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो, विंडोज 7 का हो, विंडोज 10 का हो, कोई भी ड्राइवर हो, इन द सेंस कि चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ड्राइवर हो, चाहे वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ड्राइवर हो। तो ड्राइवर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने, मैंने मान के चला सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो मैंने माना विंडोज 7 का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो ड्राइवर ही तो है जो हमें इंस्टॉल करना है। अब बात आती है हमारी कर्नल की। तो जो हमारा यूजर स्पेस है, जो यूजर जिसको जो स्पेस, यूजर स्पेस का मतलब जो यूजर उस स्पेस को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टास्क परफॉर्म कराना है, टास्क 1, कोई मुझे टास्क 1 कराना है कि मुझे टाइप करना है, मुझे राइट करना है, मुझे कोई भी काम करना है, कोई टास्क 1 है, उस टास्क 1 को काम करने के लिए कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो स्पेस यूजर स्पेस। ऐसे ही टास्क 2 है, कोई भी टास्क हो सकता है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई टास्क की स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी ना। फॉर एग्जांपल मैं खड़ी हूँ,
तो भी मुझे एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आप बैठे होंगे आपको भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही कंप्यूटर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है हमारे कंप्यूटर में, हमारी डिवाइस में कोई भी काम परफॉर्म हो रहा है, उस परफॉर्म करने के लिए भी तो उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो टास्क है, कोई भी टास्क कर रहे हैं हम, उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वो टास्क हमारा यूजर स्पेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो कर्नल होता है, कर्नल का बेसिकली काम होता है हमारे हार्डवेयर या हमारे जो ड्राइवर है, या तो हमारा कोई हार्डवेयर हो या हमारा कोई ड्राइवर हो, उसको और यूजर स्पेस यानी यूजर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ये काम हमारा होता है कर्नल का। तो कर्नल बेसिकली काम क्या करता है, कर्नल हमारे यूजर स्पेस और हार्डवेयर या फिर ड्राइवर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, तालमेल बिठाता है। तो ये काम हमारे तालमेल बिठाने का कर्नल का होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है कर्नल, जो कर्नल हमारे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब इंटरफेस यूजर और हमारे हार्डवेयर के बीच में, तो ये जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा कर्नल करता है। कौन करता है, कर्नल। तो कर्नल एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है हमारे यूजर स्पेस और हमारे हार्डवेयर या हमारे ड्राइवर के बीच में। हम हार्डवेयर और ड्राइवर, हार्डवेयर आपको पता है कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे हार्डवेयर होते हैं, ड्राइवर जो हम ड्राइवर हमारा अटैच्ड होता है कर्नल से, ड्राइवर हमारे कर्नल से अटैच्ड होते हैं, ड्राइवर डायरेक्टली ड्राइवर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है हमारा कर्नल से। ऐसे ही हार्डवेयर भी हमारा कर्नल से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन कर्नल हमारा यूजर स्पेस और हार्डवेयर या ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा। ड्राइवर बेसिकली जो भी हमारे ड्राइवर है, जो भी हमें विंडो 7 या विंडो 10 कोई विंडो इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए हमें कोई ड्राइवर की नीड होगी, तो वो ड्राइवर हमारा कर्नल से अटैच होगा, कर्नल से कोऑर्डिनेट होगा। कर्नल कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा पूरा काम हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मिलके करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यानी सब कोई काम सबका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सब मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो इंटरनली ये काम ऐसे होता है। चार चीजों के नाम याद रखिएगा, यूजर स्पेस, कर्नल और हमारा हार्डवेयर और उसके अलावा ड्राइवर। क्लियर हुआ। अब इसके रिलेटेड हमारी फर्स्ट वीडियो जो हमने पढ़ी थी और आज जो पढ़ा, इससे रिलेटेड हम तीन चार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको जरूरी नहीं है इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिक चीजें फर्स्ट पहली दूसरी तीसरी क्लासेस तो आपको पता है, कोई भी मैंने चैप्टर कराया तो एक बेसिक होता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी टॉपिक इंक्रीज होते जाएंगे। अभी चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम है पहला ऑप्शन कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, दूसरा ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो हमको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। बेसिकली हम लोग यही तो पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि पहले हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम बनके एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी नहीं भी याद आए तो ये याद रखिए, जैसे कि विंडो 7, विंडो 10 और एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है, तो और कोई ऑप्शन सॉफ्टवेयर का तो है ही नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स, टाइम शेयरिंग क्या प्रोवाइड करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो डिसमैनेजमेंट पहला ऑप्शन, दूसरा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, तीसरा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिसमैनेजमेंट भी करता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी करता है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, बेसिकली ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये सारे काम करता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला स्कैन द सिस्टम, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, स्कैन द सिस्टम ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, चलो आगे देख लेते हैं। थर्ड है मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, सही बात है, सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करना ये तो काम होता ही होता है, और ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि पहला ऑप्शन तो नहीं है
और दूसरा भी इतना ज्यादा सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द प्राइमरी जॉब ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कमांड रिसोर्स नहीं, मैनेज रिसोर्सेज, सही बात है ये तो होता है, प्रोवाइड यूटिलिटीज, प्रोवाइड कनेक्शन। सबसे सही ऑप्शन है मैनेज रिसोर्सेज, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इससे रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक पर भी क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के बनते हैं। बाकी की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।